Hey guys, welcome back to my channel. So it is almost 11 AM right now, and today also I'm gonna vlog. So hi guys, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ जो मुझे बहुत पसंद है. ये जगह बहुत ही सुंदर है. तो यहाँ पे मैं जब ही आती हूँ बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर काम रहता है ये जगह. और यहाँ पे मतलब हमेशा बर्ड्स का चिरपिंग मतलब आप सुन सकते हो. तो बहुत पसंद है मुझे ये जगह. तो हाँ, so yeah, just have a glimpse of it. As you can see, near my house there's a place like this, and I love this place. This is so beautiful, like this is so calming, this is so soothing. And here, like, all the birds chirps all the time, and it is so soothing and so beautiful. একটু বেশি ঝাল দাও. এটা কি দিচ্ছ? লঙ্কা আর চিনি. হ্যাঁ, চিনিও দাও. ধনে পাতা সবই দাও. মশলা. এটা কি মশলা গো? এটা কি মশলা? পছন্দে মটর সস. এবার হলো টমেটো. রসুন কি রসুন? আচ্ছা, কামরাঙা. হ্যাঁ, কামরাঙা. লেবু আচার, কাশ্মীরি লঙ্কা আচার, আমের আচার, মিশলি আচার, বনফুল. সাটালু তো বলে দিই. ঠিক আছে, এবার একটু বাই করে দাও. হ্যাঁ, guys, welcome back again. तो मैं अभी मेरा बड़ा वाला कैमरा से ब्लॉग कर रही हूँ. आई थिंक आपको क्वालिटी से पता चल जाएगा कि मैं अभी मेरा जो बड़ा वाला कैमरा है उससे ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो पिछला ब्लॉग था, मतलब अ डे इन माई लाइफ, वो उसका क्वालिटी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ कुछ टाइम पे वो फोकस नहीं हो रहा था. मुझे मैं देख भी नहीं पा रही थी कि वो फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा है. और व्लॉग क्या होता है ना, फ्री स्टाइल का होता है, मतलब आप रीशूट नहीं कर सकते हो उसे, एक ही बार में होता है. मतलब आप बात करते हो, फिर वो इमोशन से बात करते हो, और अगर वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता है तो आप दोबारा उसको नहीं कर सकते हो. तो हाँ, वैसा ही है. और आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि आई एम हैविंग सम कफ एंड कोल्ड. बहुत ही सर्दी होके रखा है. मतलब वॉइस सुन के आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि मेरा पूरा नोज ब्लॉक्ड है, और गले में बहुत दर्द है, मतलब क्रोकी एकदम हो गया है, और हेडेक भी बहुत ज़्यादा है. तो हाँ, बहुत कुछ है बुरा चीज़ें बोलने के लिए, पर इतना भी बुरा नहीं है. आज का दिन बहुत ही अच्छा था. मेरा एक काम था जो कुछ दिनों से बन नहीं रहा था, वो आज बन गया, तो कुछ तो अच्छा हुआ है ना. और फिर मेरा लंच भी हो गया है. तो मैंने जैसे दिखाया कि मेरे स्कूल के सामने से
मैंने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड भी खा लिया. नहीं, उसको फूड नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो फ्रूट है. मैंने गुआवा खाया था जिसमें मसाला मिलाया हुआ था. वो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है. मतलब हमारे जो जो भैया वहाँ पे बनाते हैं वो तो अमेजिंग बनाते हैं उसको. मतलब आई लव दैट थिंग. और स्कूल के बारे में बात करते करते मुझे एक चीज़ याद आ गया. मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. जैसे कि मेरे मतलब जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको तो पता ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ. मुझे बात करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. तो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, ठीक है. मैं जब 8th ग्रेड में थी, मतलब क्लास 8 था मेरा जब, तो मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी. तो हम लोग मतलब रोल नंबर वाइज बैठते थे एक बेंच में. मतलब आप इमेजिन करो कि मेरा रोल नंबर 15 था, तो 15, 16, 17, 18 एक ही बेंच में बैठेंगे चार लोग. तो हम ऐसे ही बैठते थे. तो हाँ, मेरा जो मतलब मेरे पास जो बैठते थे, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करती थी. बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी. मतलब जब क्लास चलता था तब भी मैं बातें करती थी, वो भी मेरे साथ बात करते थे. तो हाँ, होता है फ्रेंड्स लोगों के बीच में, आप लोग भी करते होंगे मुझे पता है. तो हाँ, और हम जब बैठते थे तो क्लास में जब टीचर आ जाता था हमें, तो मतलब फिर भी बात करना होता था. ओके, वन सेकेंड, देख सकते हो आप मुझे ना ठीक से? ओके. तो जब टीचर आ जाते थे हम तब भी बात करते थे. तो एक दिन हमारे जो क्लास टीचर थे उसने मुझे बोला कि तुम जगह एक्सचेंज करो, तुम वहां पे मत बैठो, तुम जगह एक्सचेंज करके या मतलब दूसरे बेंच में जाके बैठो. तो मेरे साथ और एक स्टूडेंट का जगह एक्सचेंज कर दिया उन्होंने. फिर मैं वहां पे भी जाके फ्रेंड्स बना लिया मैंने बहुत सारे, और वहां पे भी मैं बातें करती थी. तो ऐसे करते करते क्लास 8 में मेरा 8 बार मुझे जगह एक्सचेंज करना पड़ा था. मैं इतना मतलब टॉकेटिव थी. तो हाँ, ऐसा ही था. पर पढ़ाई में बहुत बुरी नहीं थी तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे. पर हाँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा बातें करती थी. तो बचपन से ही मुझे बातें करना, फ्रेंड्स बनाना, मेरी दिल की बात शेयर करना बहुत अच्छा लगता है. तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सच में मेरा फ्रेंड मानती हूँ. जैसे कि मैं सब मतलब मेरी सारी वीडियो में शायद मैं यही बोलती हूँ कि मैं सच में आप लोगों को मेरा फ्रेंड मानती हूँ. और हाँ, यही है. तो मैंने लंच भी कर लिया और मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाऊँ, बिकॉज मुझे गाजर का हलवा बहुत 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 पसंद है. और अभी विंटर है तो विंटर में तो सब गाजर का हलवा खाते हैं शायद. तो हाँ, मुझे गाजर का हलवा भी खाना है आज शाम को. और जैसे कि मैं बोल रही थी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा हेडेक हो रहा है. नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना मैं बोल रही हूँ. बहुत 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 ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है. तो पर हेडेक है मुझे कभी भी, मतलब जब सर्दी नहीं होता है मुझे, तब मुझे कभी भी हेडेक होता नहीं है, ठीक है. मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड, टच वुड. तो मुझे ज़्यादा हेडेक होता नहीं है. तो अभी हो रहा है और मुझे हेडेक मतलब जब होता है तब बहुत ही गंदा वाला फीलिंग होता है, ठीक है. तो नोज भी बिल्कुल ब्लॉक्ड है, गले में भी खराश है, खांस रही हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, और हेडेक भी होके रखा है. तो अगर आप लोगों को पता है कि मुझे कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मेरा 27th और 29th को एग्जाम्स है. तो आप सोच सकते हो कि मैं अभी सिक हूँ थोड़ा, मतलब अच्छी तरह से सिक हूँ मैं. हाँ, और तबीयत बहुत ही खराब है और मेरे एग्जाम्स भी है, उसके लिए टेंशन में भी हूँ मैं थोड़ा. मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, और मैं अभी भी नहीं पढ़ रही हूँ. आज तो पढ़ाई नहीं, मैंने मतलब बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है. तो आज शाम को थोड़ा सा पढ़ाई भी करना होगा, आई नीड टू. और आप लोग मत सोचना कि मैं घर पे मेकअप लगा के बैठी हूँ. मैं मतलब व्लॉग करने के लिए मैंने मेकअप नहीं किया है. मैं सुबह को जब निकली थी तब मेकअप करके निकली थी. मतलब मैं बहुत ही लेजी इंसान हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फिर से मेकअप उतारूँ, फिर व्लॉग करना स्टार्ट करूँ. कौन करता है यार, मेकअप ही नहीं उठाई मैंने. तो हाँ, यही है. और क्या बोलना है मुझे. अच्छा, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि मेरे जो मैं जहाँ पे रहती हूँ ये जॉइंट फैमिली है. मतलब मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं. मेरे मम्मी पापा बहन तो रहते ही है,
फिर मतलब बहुत सारे अंकल्स रहते हैं, आंटियां रहते हैं, भैया भाभी, उनके बच्चे, बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब मैं अकेली नहीं रहती हूँ, हम सब साथ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमारे फैमिली में। और कभी कभी मैं ट्राई करूँगी कि कभी उनको भी लेके व्लॉग्स बनाऊँ, आई विल रियली रियली ट्राई, बट सब ना कैसे होते हैं ना, सब शाई हो जाते हैं कैमरा के सामने आते ही, मतलब वो लोग लाइक क्या करना है, क्या बोलना है, वो एकदम चुप हो जाते हैं। मैं समझा नहीं पाती हूँ उनको कि आप कुछ भी बोल सकते हो कैमरा के सामने, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सबसे अच्छे व्यूअर्स हैं, दुनिया के सबसे 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 अच्छे व्यूअर्स हैं, इसीलिए शायद मुझे कभी भी कोई भी हेट कमेंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, पर मुझे सच में कोई भी हेट कमेंट नहीं आता है, टच वुड, मैं कभी नहीं चाहती कि मुझे कोई भी हेट कमेंट्स आए, बिकॉज मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, मतलब मुझे अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ बुरा बोल दे सॉरी, तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, मतलब बुरा लगता है मुझे, मतलब जब मुझे बुरा लगता है तो बहुत बुरा लगता है, पर मैं वो फीलिंग को ज्यादा देर तक रखती नहीं हूँ। तो ओके, इस बारे में बात खत्म। तो मैं अभी तक नेट पे थोड़ा सा सर्च कर रही थी कि कैसी कैसी पेनलेस वे से आप आपका बॉडी हेयर और फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक बहुत ही अच्छा सब्सक्राइबर, आई थिंक तरनप्रीत ने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए। तो हाँ, यही मैं रिसर्च कर रही थी कि कैसे कैसे वे हो सकता है, तो मैंने एक डायरी पे उन सब वेज को नोट डाउन कर लिया है, तो मैं कुछ दिन के लिए वो खुद के ऊपर ट्राई करने वाली हूँ। अगर वो मुझे अच्छा लगे कोई भी वे उनमें से, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो और ज़्यादा सर्च करूँगी मैं। सो हाय तरनप्रीत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ही दिनों के बाद आपका वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो, कोई भी रेमेडी, कोई भी DIY या कुछ भी शेयर करती हूँ, वो मैं पहले बहुत अच्छी तरह से खुद ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में रिसर्च करती हूँ, फिर वो वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ, ताकि मेरी कोई भी वीडियो देख के अगर आप उसको ट्राई करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले वो मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, फिर अगर मुझे अच्छा लगे तभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। तो हाँ, वही मैं कर रही थी। लेट मी प्लेस यू समवेयर, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है। आई थिंक दिस इज गुड, देख सकते हो आप मुझे, आई थिंक देख सकते हो। तो हाय गाइस, तो अभी शाम हो चुका है और मुझे थोड़ा सा पूजा करना है, क्योंकि हम लोग शाम के वक्त थोड़ा सा पूजा करते हैं, तो हाँ वही करना है, हम मतलब अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं और थोड़ा सा पूजा करते हैं, तो हाँ वही करना है। और thank you.
So I'm back again. So I was just replying to you guys, your comments on YouTube. As I always do, I reply to every comment, each and every comment. And I want to tell you guys, I remember the names of my subscribers like no one's business. I remember all my subscribers, like all of them. I'm not kidding, guys. I really do remember all of your names by the spelling, by everything. I even remember your profile pictures. So, real love going on in between us. So now keep that aside, and my hand is paining. I have kept my camera somewhere, but बहुत सिक्योर प्लेस नहीं है वो, तो इसलिए थोड़ा सा शेकी आ रहा होगा क्योंकि मैं हाथ ही से पकड़ के बैठी हूँ, नहीं तो ये अभी गिर जाएगा. तो और मैं आई नो कि वी आर रियली रियली अप क्लोज एंड पर्सनल, बट कुछ कर नहीं सकती, इससे दूर मैं जा नहीं सकती. हाथ में बहुत लग रहा है, इससे अगर मैं दूर जाऊँगी तो बिना एकदम फैला हुआ है, पर जो लेंस है थोड़ा सा वो जूम वाला लेंस होता है ना, तो वही है. तो और आप मत सोचो कि मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके लेंस लिया है, नहीं, यही था, यही है. मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती अभी क्योंकि I am always broke. इसीलिए आप लोग मेरे चैनल में यही सब चीपेस्ट थिंग्स के वीडियोस देखते हो, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड, लाइक बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड प्राइसी थिंग्स. मुझसे अफोर्ड किया नहीं जाता है क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, और मैंने आज एक भी वीडियो शूट नहीं किया, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है. शायद मैं आज रात को एक वीडियो शूट कर लूंगी, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा हाइलाइटर पैलेट खरीदा है, लाइक स्ट्रोबिंग पैलेट के नाम से वो है, आता है मिस क्लेयर, नो किस ब्यूटी से है, किस ब्यूटी कंपनी से है, तो दैट्स bomb.com. सो आई रियली लव दैट. तो आई थिंक कि मैं उसका रिव्यू शेयर भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत चीप है. Only for 250 rupees you can get this. तो अगर आप कोलकाता में रहते हो तो मैं जरूर आपको बोल सकती हूँ कि आप कहाँ से उसको मतलब मंगवा सकते हो और खरीद सकते हो. पर अगर आप कोलकाता में नहीं रह सकते हो तो मैं जरूर सर्च करूंगी ऑनलाइन. अगर मुझे मिल जाएगा लिंक तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर नहीं मिलेगा तो आई एम रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी गाइज. अगर मुझसे होगा तो मैं सबको कुरियर कर दूंगी, अगर मुझसे होगा. तो जैसे कि मैंने बताया, आई एम ब्रोक. मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है अभी, मेरे पास पैसे रहते नहीं है, ठीक है. अगर मुझे आप आज 1,000 rupees दे दो, ठीक है, मैं ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, उसको दूंगी, उसको दूंगी, मैं कुछ भी खरीदती रहती हूँ और बाद में वो मुझे पसंद नहीं आता है, वो अलग बात है, पर मैं कुछ भी खरीदती रहती हूँ तो मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, ठीक है. तो मैं हमेशा ही ब्रोक रहती हूँ. तो मैं पक्के ही जा रही हूँ. आई डोंट नो आप लोगों को बोर कर रही हूँ या नहीं. अगर आप लोग बोर हो रहे हो प्लीज मुझे बोलो कि आप बोर हो रहे हो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कम बात करूंगी. तो मैंने आज कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ, हमेशा मन नहीं होता है. और जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा सर्दी होके रखा है, ठीक है, वेदर चेंज का टाइम है ना अभी. अभी कोलकाता में बहुत ही गंदा वाला वेदर है, मतलब अगर आप पहन के रहते हो कुछ हैवी क्लोथ्स तो आपको गर्मी लगता है, और अगर आप नहीं पहनते हो तो आपको ठंड लगता है. तो क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं हम पहन के रहे तो गर्मी लगता है, ना पहने तो ठंड लगता है. तो यही है, ऐसा बहुत गंदा वाला वेदर है, तो इसीलिए सर्दी होके रखा है. और मेरे घर के सामने एक पार्क काइंड ऑफ जगह है जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा. मुझे नहीं पता है सुनाई दे रहा है या नहीं, शायद दे रहा है, तो कुछ नहीं कर सकती मैं, वही मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगा शायद, क्योंकि वहां पे गाने भी, मतलब कुछ बच्चे गाने भी गा रहे हैं, तो हम आई एम एंजॉयिंग दैट. एंड आज रात को शायद मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं राइस ही खाती हूँ, ठीक है, ज्यादातर टाइम मैं राइस ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक रोटी, मतलब कभी अगर खाना पड़ता है तो मैं खा लेती हूँ, तो मैं राइस ही खाती हूँ. पता है मुझे कि अनहेल्दी है, पर
आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे मुझसे रोटी खाया नहीं जाता. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मतलब राइस का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत जल्दी मतलब एक राइस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का शुगर का राइस हो जाता है ब्लड में. तो रोटी का धीरे धीरे होता है, वो उतना जल्दी नहीं होता है. तो रोटी इज मोर हेल्थी देन राइस, पर मुझसे नहीं होता है. मैं फिर भी पराठा खा सकती हूँ, तो दैट्स गुड. और अगर आप बंगाली हो तो आपको पता होगा कि लूची, आई डोंट लाइक लूची दैट मच. इवन लूची से भी मुझे राइस पसंद है. आई थिंक लूची को हिंदी में पूरी कहते हैं, क्योंकि मेरी बहन पास से मुझे बोल रही है कि पूरी पूरी. मुझे ये भी नहीं पता कि लूची को पूरी बोलते हैं. पता था पर दिमाग में सब सुना. हमेशा नहीं आता है ना, वर्ड नहीं आते. मैं डिक्शनरी थोड़ी ना हूँ, सब वर्ड मुझे थोड़ी ना पता होगा. तो हाँ यही है और क्या बोलूं. अच्छा मेरी बहन ये भी बोल रही है कि कचौरी को कचौरी बोलते हैं हिंदी में. मुझे पता है तो तो हाँ यही है. तो आप लोगों ने भी बहुत सारा बंगाली वर्ड सीख लिया है ना, सीख लिया होगा. मैंने बोल दिया कि लूची बोलते हैं पूरी को और पराठा को परोटा बोलते हैं. बहुत सारे हैं ऐसे. तो छोड़ो भी, मैं बकी जा रही हूँ. तो यही है और क्या बोलूं. तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं अभी इस व्लॉग का ही जो फर्स्ट पार्ट है उसको एडिट कर रही हूँ. और आपको पता है मेरे कंप्यूटर में ना विंडोज मूवी मेकर भी नहीं चलता है. पता है आप लोगों को, ये भी नहीं चलता है मेरे कंप्यूटर में. इतना गंदा वाला कंप्यूटर है मेरे पास. तो बहुत ही मतलब बैकडेटेड है, अपडेटेड कुछ भी नहीं है. तो नहीं चलता है. मैं एक बहुत ही शिटीएस्ट वीडियो एडिटर से एडिट करती हूँ, ठीक है, जिसमें कभी कभी मेरे जो वीडियोस हैं वो इम्पोर्ट ही नहीं होते हैं. मुझे वो जो फॉर्मेट फैक्ट्री बोल के एक होता है एप्लीकेशन, उसमें जाके मेरी वीडियो को मतलब वीडियो का साइज छोटा करना पड़ता है, ठीक है. क्वालिटी भी खराब हो जाता है, तो वो करके फिर मुझे उसमें डाल के फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है. कितना काम करना पड़ता है, फिर भी अच्छे से एडिट नहीं होता है. मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी, लगता है कि पर कुछ नहीं कर सकती मैं. मेरे पास जो है मुझे वही से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि आई एम अ ब्रोक पर्सन. मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमेशा मैं पापा से मांगू कि ये दो वो दो. तो सब कुछ नहीं मांग सकते ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली चीजें तो नहीं मांग सकते. अभी मैं एक बोलू कि मुझे एक आई मैक खरीद के दो, एक मैकबुक खरीद के दो, तो अच्छा नहीं लगता है. तो मैं मांगती भी नहीं हूँ इतना कुछ. तो हाँ यही है. इफ यू आर एंजॉयिंग, तो अगर आप मेरी व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो तो अभी एक थम्स अप दो इसे, अभी दो. और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई कि मैं जो लिपस्टिक पहन रही हूँ ये मैंने सुबह से पहन के रखा है. मैंने बहुत कुछ खाया बीच बीच में, जैसे कि मैं अभी भी खा रही हूँ, मैंने आपको दिखाया. तो ये फिर भी फेड आउट ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बीच में मतलब सेंटर से थोड़ा सा फेड हुआ है शायद, बट इट इज रियली लॉन्ग लास्टिंग एंड इट्स रियली रियली मैट, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि ये ओनली 100 रुपीज का है. मैंने कहा था ना कि मैं रिसेंटली कुछ मेकअप का शॉपिंग किया है, तो उसी में मैंने ये भी खरीदा था. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे. मेरे पास एक ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कैसा होगा. तो इट्स रियली 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 गुड और कलर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो मैं तो ये इसको डेली पहन रही हूँ अभी. बस 100 रुपीज में आपको इतना अच्छा चीजें मिलता नहीं है, और ये ड्राइंग भी नहीं है, यू नो, लाइक यू कैन सी देयर इज नो ट्रांसफर ऑन माय हैंड्स. There is no transfer on my hand and it's not drying. My lips are not मतलब मेरा lips dry नहीं feel हो रहा है. ये बहुत ही ज़्यादा moisturizing भी है, which is shocking. Like moisturizing, transfer proof and long lasting in one thing. मतलब A1 product है ये. मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया. तो अगर मुझसे होगा तो मैं शायद इसका और 2-3 कलर भी खरीद लूंगी. और अगर आप लोगों से भी हो तो फिर आप लोग भी खरीद लेना. मैं कुछ दिन बाद दिखाऊंगी ये वीडियो, मतलब ये लिपस्टिक मेरी एक हॉल में. अगर आप मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज गिव इट अ बिग 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 थम्स अप
एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप मुझे पहली बार के लिए देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियोस पोस्ट करती हूँ एक ही वीक में। तो हाँ, यही है। और अगर आप मुझे कोई वीडियो का रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करना बहुत पसंद करती हूँ।